नमस्कार प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने समझने और मन में बसाने के लिए है इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के समूह को जिज्ञास प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं आइए इस वार्तालाप का आनंद अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार अनिल जी पिछली बार आपने बताया था कि ने सीता का पता बता दिया था उसके पश्चात जो अंगत के नेतृत्व तो वाला दल था उसने क्या किया सबसे पहले तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई जी अभी तक वे ढूंढ रहे थे किसी भी गुफा में जा रहे थे पहाड़ पे जा रहे थे नदी किनारे ढूंढ रहे थे हर जगह ढूंढ रहे थे जी अब उन्हें एक दिशा स्पष्ट थी कि हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ ये किसी ने पता बता दिया तो बहुत प्रसन्न हुए नाचने लगे खुशी से जी। अब जी। अब अब प्रसन्न हो लिए। फिर काम आगे था। जी, सागर के तट पे आए जी। घूमने लगे सागर के तट पे जी सागर तो जैसा होता है जी, बड़ी लहरें उठ रही आवाज कर रहा लहरों की आवाज आ रही जी, कभी कभी शांत कभी हो लेकिन देख के उन्हें लगा ये तो बड़ा बहुत विशाल है जी, फिर उन्हें ये भी ध्यान है कि सागर में जी, कई जगह बहुत बड़े बड़े दानव भी रहते हैं जी, इसको पार करना साधारण बात नहीं है जी, ये जो विशालता थी जी उसे देख के जैसे हिम्मत जवाब दी गई निराशा आ गई हताशा आ गई दुख आ गया विषाद आ गया जी कि रास्ता तो बता दिया लेकिन रास्ता आसान नहीं है जाना संभव नहीं है इतना बड़ा विशाल सौ योजन जी। की दूरी और सौ योजन की दूरी पार करना जी ये तो संभव नहीं है जी। तो सब एकदम जो प्रसन्नता थी जी वो गायब हो गई जी और एक हताशा निराशा दुख विषाद इस भाव ने उनको ग्रसित कर लिया सागर की विशालता देख कर के जो वानर निराश हो गए थे तो उनसे उनके नेता अंगद ने फिर कुछ कहा अंगद अपना कर्तव्य निभाया जी। उनको प्रेरित किया जी कहा कि इस प्रकार विषाद करना इस प्रकार हताश होना ठीक नहीं है जी इस प्रकार का दुख जो है हताशा जो है जी वे मनुष्य का नाश कर देती है वह आदमी कुछ भी करने के योग्य नहीं रहता जी। जब पराक्रम का अवसर आता है जी। तो उस समय हताश नहीं होना चाहिए आप लोग सब अच्छे कुल के हो अच्छे वीर हो हर प्रकार से सक्षम हो तो आप लोगों को ऐसी हताशा ऐसा विषाद ऐसा दुख शोभा नहीं देता जी। आप लोग अपने आप में उत्साह जागृत करिए और सोचिए कि हम इसको कैसे पार कर सकते हैं किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया मैं ठीक है मैं ऐसे नहीं पूछता मैं एक 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 व्यक्ति बस इतना बताए कि वह कितनी लंबी छलांग लगा सकता है क्या कर सकता है जी। अपनी क्षमताएं बताएं तो फिर हम आगे सोचे कोई रास्ता जी इस प्रकार ने उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश भी की जी। और उनकी क्षमताओं के बारे में पूछा भी जी। एक, नेता की भूमिका निभाई फिर जब अंगद ने वानरों से इस प्रकार पूछा तो वानरों ने फिर क्या उत्तर दिया हर एक वानर अपनी क्षमता बताने लगा गज नाम का एक वानर था उसने कहा भाई मैं तो दस योजन की छलांग लगा सकता हूँ जी गवाक्ष था उसने कहा मैं बीस की लगा सकता हूँ बीस योजन बैग कूद सकता हूँ उससे ज़्यादा नहीं जा पाऊंगा मैं जी शरभ नाम का एक वानर था वहां उसने कहा मैं तीस योजन चला जाऊंगा एक कपिवर ऋषभ थे उन्होंने कहा जी चालीस योजन की मेरी क्षमता मुझे मालूम है महातेजस्वी गंधमादन नाम के एक वानर थे वहां पे जी उन्होंने कहा जी मैं पचास योजन जा सकता हूँ एक वानर वीर मैंद थे जी मैं साठ योजन की छलांग तो लगा सकता हूँ एक द्विद नाम के बानर वीर थे जी। उन्हें जी मैं सप्तर ही लगा एक सुषेण कपी श्रेष्ठ उन्हें कहा जाता था जी। वे थे उन्होंने कहा मैं अस्सी योजन की छलांग लगा ली अब जाना कितना है सौ जी। तो अब इन सब से तो कोई फायदा नहीं होगा जी। सबसे वृद्ध जो वहां बैठे थे जी। जो वानर नहीं थे रीच थे जी। भालू थे उन्होंने कहा मैं जब जवान था जी। तब तो मैं सौ योजन बड़े आराम से छलांग लगा लेता कोई दिक्कत नहीं थी तब लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया अब मेरे लिए नब्बे योजन ही लगा पाना संभव है मैं इससे ज्यादा नहीं लगा सकता तो जो जाम्बुवान जो सबसे वृद्ध थे अनुभवी थे उन्होंने कहा मैं नब्बे योजन तक तो जा सकता हूँ जी इस प्रकार करके सब जो वानर थे सब ने अपनी अपनी क्षमताएं बताई जी ये सब वानरों की क्षमता जानने के बाद तो फिर अंगद ने अपनी भी क्षमता को बताया होगा कि मैं इतना छलांग लगा सकता इतने योजन अंगद ने कहा कि जहाँ तक मैं समझता हूँ जी मुझमें इतनी क्षमता है कि मैं सौ योजन पार कर जाऊंगा सौ योजन लागने की मुझमें क्षमता है जी। लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं है कि जाने के बाद मैं वापस आ पाऊंगा यानी जाने की तो मेरे को विश्वास है सौ योजन का जी। लेकिन वापस आने में मुझे संशय है तो आप लोग जैसा कहें मैं करू मैं जा तो सकता हूं। क्षमता भी बताई और साथ में थोड़ा सा एक शंका भी बता दी जी इस प्रकार अंगद ने अपनी बात रखी अंगत की क्षमता सुनने के बाद तो जो वहां पर उपस्थित रीश थे तो उनमें से किसी ने कोई प्रतिक्रिया दी जो सबसे वृद्ध थे जी जाम्बान जी उन्होंने अंगद से कहा कि हे बालीपुत्र अंगद जी हम तुम्हारी क्षमता से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं जी। तुम महाशक्तिशाली बाली के पुत्र हो। तुमने बहुत विनम्रता से अपनी क्षमता सौ योजन की कही है जी। तुम उससे बहुत ज्यादा क्षमतावान हो हमें मालूम है कि तुम क्षमतावान हो जी। चाहे तुम्हारी क्षमता एक लाख योजन कूदने की भी हो तो भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा तुम्हें भेजना उचित नहीं है तुम इस दल के स्वामी हो स्वामी की हमें रक्षा करनी चाहिए हमें स्वामी को खतरे के काम के लिए नहीं भेजना चाहिए तुम ही इस दल के मूल हो और मूल की रक्षा करनी चाहिए जी। हम सब तुम्हारा आश्रय लेके आगे बढ़ रहे हैं यदि तुम्हें कुछ हो गया जी। हम सब अनाथ हो जाएंगे इस स्थिति के कारण जी। तुम्हें भेजना उचित नहीं है इसलिए हम लोग तुम्हें नहीं भेजेंगे।, तुम्हारी जी। पर भेजेंगे नहीं तुम्हें हम तुम्हारा काम है हमें आदेश दो जी। हम तुम्हें आदेश देके भेज दें ये गलत हो जाएगा जी। इसलिए तुम्हें नहीं भेजेंगे जी। इस प्रकार जामवान ने अंगद की बात का उत्तर दिया जी। फिर जामवान की बात सुनने के बाद अंगद ने कुछ कहा अंगद निकाहिए आप क्या बात कर रहे हैं जी कोई और वानर जाने को तैयार नहीं है या उसकी क्षमता नहीं है हुँ। मुझे आप भेजना नहीं चाहते जी मैं भी नहीं जाऊं कोई और वानर भी नहीं जाए हम वापस जाए तो सुग्रीव महाराज जो हैं? जी वे हमारे प्राण ले लेंगे जी। तो फिर तो हमें यही मरणांत अनशन करना ही एकमात्र उपाय बचा। जी मुझे तो कुछ और दिखता नहीं है जी आप सबसे वृद्ध हैं सबसे अनुभवी हैं कोई आप बताइए क्या करें? जी क्योंकि बाकी सबकी क्षमताएं तो हमने देख ली किसी की क्षमता नहीं है जी और मुझे आप जाने को मना कर रहे हो जी। तो अब तो कोई इसका रास्ता ही नहीं निकलेगा जी तो जामवान ने कहा कि तुम्हारा कार्य हो जाएगा तुम चिंता ना करो जी मैं एक ऐसे वीर को प्रेरित करता हूं जो ये इस कार्य को सिद्ध कर सकता है जिसमें क्षमता है जी उसको प्रेरित करने की आवश्यकता है जी और वो वीर है वीर हनुमान जी और ये सब जब बातचीत चल रही थी जी वीर हनुमान इन सब बातचीत से बिल्कुल मस्त उनको जैसे परवाह ही नहीं है जी। वो एक एकांत में बैठे सागर तट पे जी कंकड़ उछाल के खेल रहे थे जैसे उन्हें तो इस सबसे कोई लेना देना ही नहीं बिल्कुल कुछ नहीं लेना देना जी और एकांत में बैठे हैं जी कोई क्षमता तो जैसे उनको ऐसा ध्यान ही नहीं है कि कोई क्षमता है अब वीर हनुमान की एक गुण साधारणता की है जी कही जाते है। जी कि वीर हनुमान को अपनी क्षमता का अपने गुणों का भी जी, कभी ध्यान नहीं रहता उन्हें जब कोई याद दिलाता है जी कि हे वीर आप में ये क्षमता ये है जी, तो उन्हें ध्यान आता है अन्य था जी, वे अपनी ही क्षमताओं से अपनी जो उनमें प्रतिभा है जी, उस सब से मस्त रहते हनुमान जी पूर्णतः अहंकार रहित उनमें कभी अहंकार नहीं आता जी सब ने अपनी अपनी क्षमता बताई मैं ये कर सकता हूँ ये कर सकता हूँ इनके तो दिमाग में नहीं है कि मेरे भी कोई क्षमता है मैं छलांग भी लगा सकता हूँ नहीं वो तो बैठे अपना पंख उछाल रहे खेल रहे ऐसे भाव से बैठे थे तो जामवान ने जी। ये कहा कि मुझे मालूम है काम कैसे होगा मैं जाके वीर हनुमान को प्रेरित करता हूँ तब आपका काम होगा जी फिर जामवान ने वीर हनुमान से फिर क्या बातचीत करी अब जामवान क्योंकि सबसे वृद्ध हैं सबसे ज्यादा विद्वान भी थे जानकार थे अनुभवी थे वे हनुमान के पास गए जी। और कहा कि हे हनुमान तुम हमारे दल में सर्वश्रेष्ठ हो जी। पूरे विश्व में शास्त्र वेताओं में भी श्रेष्ठ हो जी। तुम क्यों यहाँ एकांत में बैठे हो क्यों ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हें कुछ लेना देना ही नहीं है जी। तुम सुग्रीव के समान पराक्रमी हो जी। तेज और बल में तुम राम और लक्ष्मण के तुल्य हो जी। तुम उनसे कम नहीं हो तुम में इतना तेज है इतना बल है तुम गरुड़ के समान विख्यात शक्तिशाली एवं तीव्रगामी हो तुम में इतने गुण हैं बल बुद्धि तेज और धैर्य इन सब में तुम समस्त प्राणियों में सबसे बढ़कर फिर तुम अपने आप को समुद्र लंघन के लिए तैयार क्यों नहीं करते तुम अपने आप को भूल रहे हो जी, मैं तुम्हें तुम्हारे जन्म की कथा सुनाता हूं उसके बाद जामवान ने जी, वीर हनुमान को उनके जन्म की कथा सुनाई कि स्वर्ग में जी। एक बहुत विख्यात अप्सरा है जी। उसका नाम है पुंजिक स्थला जी। उसको कभी शाप दिया गया तो शाप वत उसने कपी योनी में जन्म लिया कपी योनी में अवतीर्ण हुई जी। कपी योनी में अवतीर्ण होने के बाद भी जी। बहुत गुणों से संपन्न थी अप्सरा थी गुणों से संपन्न थी कपी योनी में तो आ गई उसमें ये गुण था कि वो अनुसार रूप धारण कर सकती है महामनस्वी कुंजर की पुत्री थी वे जी और उसका नाम रखा गया अंजना बाद में उसका विवाह हुआ वानर राज केसरी के साथ जी एक बार की बात है कि वह मानव स्त्री का रूप धारण करके साड़ी इत्यादि पहन के पर्वत शिखर पर खड़ी थी जी उन्होंने बहुत अच्छी रेशमी साड़ी पहनी थी जी अति सुंदर लग रही थी जी और जब वो अति सुंदर लग रही थी जी तो वायुदेव जी ने उसे देखा जी उस पे मोहित हो गए जी मोहित होने के बाद जी उन्होंने उसके वस्त्रों को हर लिया जी और हरने के बाद उसके अंगों को देखा जी वायुदेव जो थे जी, काम से ग्रसित हो गए जी, जब ये सब हुआ तो अंजना को एहसास हुआ कि कुछ हो रहा है जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा जो पति व्रत है जी, मैं एक पुरुष की पत्नी हूँ वो भंग हो रहा है जी, तो जब उसमें भय आया जी, तो वायुदेव ने कहा कि तुम चिंता न करो मैंने तुम्हारे साथ मानसिक स्तर पर समागम किया है जी। लेकिन पति व्रत भंग नहीं होगा जी। क्योंकि मैंने शारीरिक रूप से नहीं किया है जी। लेकिन मैंने क्योंकि तुम्हारे साथ मानसिक समागम कर लिया है जी। तो तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी जी। जो कि मेरा औरस पुत्र होगा जी वो बहुत बल और पराक्रम से संपन्न होगा जी वो महान धैर्यवान होगा जी महा तज, तेजस्वी होगा जी महाबली होगा महापराक्रमी होगा जी और लांगने और छलांग लांग लगाने में जी वे मेरे समान होगा जी तो ये सारे आशीर्वाद देते हुए जी पवन देव ने अंजना जो कि केसरी की पत्नी थी जी उसे आश्वस्त किया जी कि तुम्हारा तुमने कोई पाप नहीं किया है तुम्हारा पति व्रत भंग भी नहीं हुआ है लेकिन तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी जो कि मेरा औरस पुत्र होगा जी तो ये सारी बात सुन के अंजना प्रसन्न हो गई जी फिर वह एक गुफा में चली गई, जी जहा उसने जी, कुछ समय बाद तुम्हें जन्म दिया जामवान हनुमान को बता रहे हैं। जी, जी, इस प्रकार तुम वायुदेव के पुत्र हो जी और तुम्हारी क्षमता तो वायुदेव जैसी है जी जैसे वायु देव को कोई नहीं रोक सकता जी वैसे तुम्हें कोई नहीं रोक सकता जी इन क्षमताओं को पहचानो और ये जो सामने कार्य उपस्थित हुआ है जी इसे करने के लिए तैयार हो जाओ जी इस प्रकार उन्होंने उनकी जन्म की कथा सुनाई उनको प्रेरित किया जी जामवान ने आ, हनुमान के जन्म की कथा सुनाने के पश्चात उनके बचपन से जुड़ी भी कोई कथा सुनाई हाँ एक और कथा जामवान ने हनुमान को सुनाई जी कहा कि हे हनुमान तुम्हारी क्षमताओं के बारे में जी तुम भूल रहे हो तुम विस्मरण हो गया तुम्हें जी तो मैं तुम्हें बताता हूं कि जब तुम बहुत छोटे थे जी एक बार तुमने सूर्य को देखा जी और तुम्हें लगा कोई ये फल है जी और तुम सूर्य को खाने के लिए जी तुमने छलांग लगा दी जी तीन सौ योजन तक तुम चले गए जी जब तुम तीन सौ योजन तक चले गए सूर्य की ओर जी तो इंद्र को लगा ये कौन है जो सूर्य देव को खाने के लिए बढ़ रहा है जी तो उन्होंने अपना वज्र उठाया जी और तुम पर वार किया जी और वो जो वज्र का वार था जी वो तुम्हारी ठोड़ी पे लगा और ठोड़ी का बाया भाग जो है वह टूट गया ठोड़ी को हनु कहा जाता है और क्योंकि तुम्हारी ठोड़ी हनु वो टूटी इसीलिए तुम्हारा नाम हनुमान पड़ा है जी। अब इंद्र ने वायुदेव के पुत्र पे आक्रमण किया जी उस पर इतना बड़ा प्रहार किया तो वायुदेव रुष्ट हो गए उन्होंने तीनों लोकों में प्रवाहित होना बंद कर दिया तो त्राही त्राही गई सब देवता वायुदेव को मनाने गए ब्रह्मा जी ने वायुदेव को मनाते हुए तुम्हें आशीर्वाद दिया कि तुम युद्ध में किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मारे जा सकोगे ये ब्रह्मा जी ने हनुमान को आशीर्वाद दिया जी। कि किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारे जा सकोगे युद्ध स्थल में तुम अपराजय हो जी दूसरा इंद्र ने जी। उस समय तुम्हें आशीर्वाद दिया कि मृत्यु तुम्हारी इच्छा के अधीन होगी जी। जब तुम चाहोगे तभी तुम्हें मृत्यु आएगी आएगी अन्यथा नहीं देखिए ये दोनों आशीर्वाद जी पूरे हमारे किसी धर्म ग्रंथ में ऐसा बड़ा आशीर्वाद किसी के पास नहीं जी। और आज भी हम ये मानते हैं कि हनुमान भी है जी वो क्योंकि मृत्यु उनके अधीन थी जी तो उन्होंने देवलोक को प्रस्थान नहीं किया वो इसी युग है खैर कथा पे आए जी तो जानवान ने कहा कि तुम केसरी के क्षेत्रज पुत्र हो जी वायुदेव के औरस पुत्र हो जी तेज और वेग में वायुदेव के समान हो चातु, चातुर्य और पौरुष से संपन्न हो जी। अपने असीम बल का विस्तार करो जी। और ये जो सामने महासागर दिख रहा है इसको लांग जाओ जी। इसमें तुम्हें कोई सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है तुम सक्षम हो जी। ये कार्य करो ऐसे कह के जामवान ने हनुमान को प्रेरित किया जी जामवान की ये सारी बातें सुनने के पश्चात वीर हनुमान ने फिर क्या कहा अब उनके मन में जोश आ गया पूरा उत्साह आ गया जी उन्होंने अपने शरीर को विशाल करना प्रारंभ किया जी वो अपने शरीर को बड़ा करने लगे गर्जना करने लगे जी। तो सारे वानर देखने लगे बिल्कुल वैसे ही देख रहे थे जैसे जब वामन रूप धारण करके विष्णु ने वामन रूप धारण करके धरा पे विष्णु जी प्रकट हुए थे जी। और उसके बाद वो विशाल रूप धारण करने लगे थे और सारी प्रजा देखने लगी थी वैसे हनुमान को देखने लगी कि ये हमारे साथ जो था अभी इतना विशाल होता जा रहा है जी अब हनुमान अपने बल का स्मरण करने लगे जी अभी तक तो भूल चुके थे अब अपने बल का उन्हें स्मरण आया जी और बल का स्मरण करते हुए उन्होंने जब विशाल रूप धारण किया जी तो भी अपनी विनम्रता नहीं भूली जी उन्होंने समस्त वृद्ध वानरों को प्रणाम किया जी और कहा जी कि आकाश में विचरने वाले वायुदेव की शक्ति की जैसे कोई सीमा नहीं है जी, वैसे ही मुझ में बल है जी, जैसे वायुदेव पर्वत शिखरों को भी तोड़ सकते हैं वैसा ही मुझ में भी बल है गति में जी, छलांग लगाने में लांगने में जी, ये जो सामने महासागर दिख रहा है जी, इसको तीन ही लोग पारित कर सकते हैं जी। एक तो विंतानंदन गरुड़ विष्णु के वाहक गरुड़ जी दूसरा वायुदेव और तीसरा मैं तो अब उन्होंने अपनी क्षमता का ध्यान आ गया जी और अब उन्होंने कहा कि मैं बुद्धि में जैसा देखता हूं सोचता हूं जी। वैसी मेरी चेष्टा होने लगती जी। अभी तक तो सोचा ही नहीं था बैठे खेल रहे थे जी। अब उन्होंने कहा कि मैं बुद्धि में जैसा सोचता हूँ वैसी मेरी चेष्टा होने लगती है अब मेरा मन शरीर विशाल हो रहा है मैं ये छलांग लगा सकता हूँ वृद्ध वानरों से कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये कार्य संपन्न कर रहा हूं जी। और मुझे अपने मन से बुद्धि से स्पष्ट निश्चय जान पड़ता है कि मैं विदेह कुमारी सीता का दर्शन करूंगा जी अतः आप लोग सब खुशी हम मनाएगी जी क्योंकि मैं ये कार्य करने वाला जी अभी तक तो कार्य करने की बात ही नहीं थी घबराहट थी जी लेकिन अब जब वो प्रेरित हो गए हनुमान जी तो पूरी तरह तैयार हो गए जी हनुमान जी की इस तरह से उद्घोषणा करने के पश्चात फिर वहाँ पर जो उपस्थित वानर होंगे सब बहुत प्रसन्न हो गए होंगे कि अब आ, हम सीता का पता चल जाएगा जल्दी से करके बिल्कुल अब सब में उत्साह आ गया जी अभी तक जो निराशा थी जी सबकी सीमाएं थी कोई दस योजन कोई पचास योजन कोई नब्बे योजन जी। यहाँ एक व्यक्ति था जिसकी कोई सीमा नहीं थी जी। जो कि सहज भाव से जा सकता था जो कि बल में बुद्धि में चातुर्य में हर हिसाब से जी। जिसकी कोई तुलना नहीं थी केवल वो उसे अपनी क्षमताओं का ध्यान ही नहीं था जी। अब उसे अपनी क्षमताओं का ध्यान आ गया उसका स्मरण आ गया और वे जाने को तैयार हो गया जी तो सब वानरों में प्रसन्नता आ गई, और वीर हनुमान वही बगल में जो महेंद्र पर्वत था जी। उसके ऊपर चढ़े और अपने आगे लंका और वहां बैठी सीता की ओर अपने मन मस्तिष्क को केंद्रित करने लगे अनिल जी जो हनुमान जी के बारे में जो कथा सुनी वो तो बहुत ही विलक्षण है बहुत ही रोचक है और इसी के साथ अब किसी के कांड की समाप्ति होती है अगले प्रकरण से सुंदर कांड हम प्रारंभ करेंगे अब आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहनों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे राम रा। राम राम राम